मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कौन सा लेंस डलवाएं, उस श्रृंखला में एक और लेंस जो अक्सर आप सुनते हैं, जिसका नाम आपके जहन में या आपके जिक्र में बार बार आता है, वो है एक पेनोप्टिक्स लेंस। सो पेनोप्टिक लेंस क्या है? पेनोप्टिक्स एक ट्राईफोकल लेंस है एल्कॉन कंपनी का। सो ये एक ब्रांड नेम है एक लेंस का जिसको हम ट्राईफोकल लेंस बोलते हैं। ट्राईफोकल लेंस होता क्या है? ट्राईफोकल लेंस का मतलब है वो दूर की नजर के साथ आपको एक इंटरमीडिएट मतलब कंप्यूटर डिस्टेंस और नजदीक तीनों आपकी रेंज जो है वो अच्छी नजर देता है, तो इसीलिए इस लेंस की पॉपुलैरिटी है। दोस्तों जो ट्राईफोकल लेंस है पेनोप्टिक्स, इसका एडवांटेज या इसकी इम्प्लांटेशन उन लोगों में हम करते हैं जिन लोगों को एक अच्छी नजदीकी नजर चाहिए दूर के साथ साथ, और उनका जो शाम की लाइफ है यानी इवनिंग लाइफ यानी कि ड्राइविंग करना, शाम को कहीं घूमने जाना या पार्टीज में जाना, वो कम हो, क्योंकि इन लेंस के ऊपर जो मायर्स बनी होती हैं, जो रिंग्स होती हैं, उसकी वजह से लाइट थोड़ी फैलती है, उसके अराउंड थोड़े चक्कर बनते हैं जिसको हम ग्लेयर एंड हेलोज बोलते हैं। हालांकि जो पेनोप्टिक्स लेंस है या कोई भी ट्राईफोकल लेंस है उसमें बाईफोकल से ग्लेयर एंड हेलोज कंपैरेटिवली कम होते हैं, इनका सरफेस इज बेटर देन द बाईफोकल लेंस, बट फिर भी लाइट के अराउंड इसमें चक्कर बनते ही हैं। दोस्तों पर ये जो पेनोप्टिक्स लेंस है ये थोड़ा हाई बजट लेंस है। हाई बजट का मतलब ये हर एक आदमी की क्षमता पे डिपेंड करता है, पर इसकी अप्रोक्सीमेट जो पैकेज कॉस्ट होती है वो आपके हॉस्पिटल्स में 75,000 से लेके 90,000 या 1,00,000 तक जाती है। सो ये एक हाई बजट लेंस आ जाता है, जबकि आज की डेट में और भी कंपनीज हैं जैसे कार्ल ज़ाइस से बनाया गया है ज़ाइस ट्राईफोकल लेंस, उनका एक आता है जिसमें उनकी एक पेटेंट SMP टेक्नोलॉजी है जिसमें ये ग्लेयर एंड हेलोज की प्रॉब्लम भी काफ़ी कम है। जिन मरीजों को हमने ये डाले हैं ज़ाइस ट्राईफोकल, वो ग्लेयर एंड हेलोज की काफ़ी कम कंप्लेंट करते हैं। दोस्तों पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेड ट्राईफोकल लेंस का इंडियन लेंसेज में भी वर्जन्स हैं जो इससे कम से कम 20-25,000 रुपये सस्ते भी हैं, और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन है, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, और वो उनके रिजल्ट्स भी हमें देखा गया है कि बहुत अच्छे और बहुत उम्दा आते हैं। धन्यवाद।